नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1,05,395 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की राशि जारी कर दी गई है। करीब 32 करोड़ की राशि बेरोजगार युवाओं के खाते में भेजी गई है। मुख्यमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में बेरोजगार युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सके। पूरा फायदा उठाएंगे और ये राशि जो है हम अपनी स्टडीज में लगाएंगे, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, और जो भी खर्च है हमारा आने जाने का और जो भी नोट्स मटेरियल्स पे होते हैं या स्टडी मटेरियल्स पे होते हैं, टेस्ट सीरीज पे होते हैं, वो सब पे अपन खर्च करेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला है। और सर, एक तो पहले ही आपने इतने अच्छे अवसर प्रदान किए कि मैं पहली बार आपके सामने मुखाग्र और आपके सीएम निवास पे आके आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है। ये राशि सिर्फ मेरे लिए नहीं और बाकी लोगों के लिए भी बहुत खुशी के लिए है, क्योंकि वो अपना सदुपयोग उसमें कर रहे हैं सर और करने वाले हैं। और एक जो एजुकेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग जरूरी होती है, वो स्किल ट्रेनिंग पहले जो गवर्नमेंट थी अगर वो स्टार्ट करती तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ सर, आपने स्टार्ट किया इस टाइम पे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है वो हम साथ में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि हम दो डिग्री लें, एक तो अपन एजुकेशन के लिए लें और दूसरी स्किल ट्रेनिंग या डिप्लोमा लें, ताकि हम अपनी बेरोजगारी को कम कर सकें। और लगातार प्रदेश बेरोजगारी की दर में लगातार कम होते हुए प्रयास कर रहा है सर। सर, ये आपकी मेहनत के, आपकी ईमानदारी का ये पल हमको दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खूब धन्यवाद, बधाई, जय हिंद सर। कामना हेलो, मेरा नाम कुमारी जसवंत कोसरे है, मैं दुर्ग से आई हूँ सर। सर, आपकी ये जो योजना है वो बहुत अच्छी है। मुझे जो है UPSC की किताब मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन सर एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि UPSC में कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उतने मैं कर नहीं पाती हूँ। तो सर, जैसे आपने एक बेरोजगारी भत्ता का एक योजना लेके आए हैं, वैसे एक UPSC के लिए कोचिंग की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक योजना लेके आए सर, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो लोग UPSC की दुनिया में अपना परचम लहरा सके सर। सिर्फ एक निवेदन है सर, प्लीज़। एक तो ये समी आवधी जी आपको बताएंगे कि इसके लिए तैयारी की व्यवस्था है। दूसरी बात ये है कि अभी अब कोटा में भी हम लोगों ने जमीन मांगा है राजस्थान गवर्नमेंट से कि वहाँ जमीन मिल जाए तो वहाँ बिल्डिंग बनाए, तो यहाँ के जो बच्चे जाकर वहाँ तैयारी करते हैं तो उसको सुविधा मिल जाएगी। इसी साल बजट में उसका प्रावधान किया। समी जी बताएं थोड़ा। मैं बताना चाहूँगी कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा सभी कैटेगरीज़ के लिए PSC और UPSC दोनों की कोचिंग के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा हम लोग आयोजित करते हैं, और उनमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको हम विभिन्न कोचिंग सेंटरों में भेज करके कोचिंग करवाते हैं। उनका पूरा खर्चा हम ही लोग विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल है जिसमें 100 बच्चों की सीटें हैं, और उसका भी एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है हर वर्ष, जिनमें चयन होने वाले बच्चों को निशुल्क दिल्ली की कोई भी कोचिंग में वो पढ़ना चाहे तो पूरा खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसको वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेगी। जी मैडम, ठीक है बेटा, थैंक यू। इधर इधर दे दीजिए, इस साइड। हाँ, वो हाथ उठाए। हेलो हेलो, प्रणाम सर। सर, मैं जिला महासुन से हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर सकता हूँ? हाँ, पाँव पर आप मन के
आप मन के जो ये बेरोजगारी भत्ता योजना है वो राशि के मैं उपयोग ऑनलाइन माध्यम में इंग्लिश सीखे बर करूँ, काबर हर प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश के भी अधिक महत्व है। अच्छा, उमा लंबर लाए से ज्यादा मतलब सिलेक्शन के चांस रहते। दूसरा ये है कि मैं आपसे एक विनती करूँ कि मैं सेंट्रल टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास हूँ, दूसरा चीज बीएड के चतुर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो कहीं ना कहीं मोला शिक्षा स्कूल में एमएससी फिजिक्स हूँ तो भौतिक विषय पढ़ाए बर मौका मिले और मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परीक्षा पास करना चाहता हूँ अपन देश के छत्तीसगढ़ के। बोल हाँ, अपन छत्तीसगढ़ के देश के नाम रोशन करना चाहता हूँ। बहुत बधाई। का नाम बताते हैं? सुमित कुमार यादव, महासुन छत्तीसगढ़ से। चलो सुनील, बढ़िया पढ़ाई कर रहा था, एमएससी कर रहा था, फिजिक्स में कर रहा था, बहुत अच्छा बात है जी। और यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते, सरकार की तरफ से थोड़ा सा योगदान जो मिला है उसका से काफी संतुष्ट है, काबर के जी होते ये के दाई दादा मन बहुत मुश्किल से लेकर माला पढ़ाते। हाँ जी सर। और उसके बाद पढ़ डिग्री हासिल हुई तेकर बाद उकर मन के अपेक्षा रही थी कोनो कर एकर नौकरी लग जाए, जॉब मिल जाए जी सर। तो उकर बाद उकर मन के जिन पहली सपना देखे रहे थे उकर बाद किसी लेकर बेरोजगारी घूमा थे। हाँ सर। बल्कि उकर खर्चा उबाड़ गए तो फिर दाई दादा मन परेशान हो गए जी सर। ऐसा समय में बहुत मुश्किल से तो डिग्री हासिल हो रही थे और खर्चा कर रहे थे, उकर बाद माता पिता के निराशा होना और उकर बाद कुछ ताना भी देना जी, और उकर से युवा जन मस्तिष्क है वो में उकर गलत प्रभाव पड़ते। तो ऐसा समय में ये छोटे से भी राशि है तेन बड़ा योगदान देते कि आगे की पढ़ाई भर और ये दिशा में काम कर रहे थे। तकर बार मैं आप सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, एक आध ऑनलाइन भी लो भाई। कांकेर, चलो भाई कांकेर से लो। कांकेर से बिलासपुर जुड़ गया क्या? कांकेर बिलासपुर। आवाज आ रही है कांकेर से? कांकेर बिलासपुर दुर्ग। नमस्ते सर, मैं कांकेर सिंगार भाट से बोल रही हूँ, मेरा नाम रेणुका शाहू है। जी सर, जी सर। सर मैं ये लवलीवुड कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग अभी स्टार्ट किए हैं सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए सिक्योरिटी गार्ड का ही क्यों आपने चयन किया जॉब के लिए? सर गार्ड के ट्रेनिंग के क्यों आपने चयन किया? सर मेरे को जॉब चाहिए था, घर में कमाने वाले नहीं है, मेरी माँ छोटा सा दुकान चलाती है, चाय का ठेला है, तो कमाने वाले नहीं है, मेरे पापा नहीं है, तो मेरे को करना पड़ रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी वाला अच्छा लगा आप? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। और आज पैसा अंतरण हुआ? पिछले महीने भी आ गया था खाते में? आया था सर, पिछले महीने भी आया था और आज भी, आज हमने मैसेज आ जाएगा आपके पास मोबाइल में। जी सर, ठीक है, खूब बधाई। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। नमस्ते सर। मेरा नाम विवेक मरकाम है सर, मैं महापुर ब्लॉक प्राथम से हूँ। लवलीवुड कॉलेज से। जी सर, आप क्या करना चाहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग करना चाहता हूँ सर। और
जी मेरा चॉइस है सर सरकारी नौकरी करने का। हाँ अभी भर्तियाँ सब शुरू हुई है। जी सर जी क्वालिफिकेशन मेरा क्वालिफिकेशन सर एम ए फाइनल जी सर धन्यवाद सर। चंदन बलौदा बाजार नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं लोकमणि कुंजाम बोल रही हूँ भर्री टोला से। अच्छा। मैं भी लवलीवुड कॉलेज में अभी प्रशिक्षण के लिए आई हूँ सिक्योरिटी गार्ड के। अच्छा चलिए खूब बधाई। अब कांकेर जिला का हो गया तीन लोगों का बलौदा बाजार। चंदन जी जी नमस्कार सर। आज यहाँ पे सर हमारे बीच में बेनिफिशियरीज आए हुए हैं सर और अभी जो पैसा ट्रांसफर हुआ सर तो बड़ी खुशी से अपना मोबाइल हमें दिखाए सर कि सर देखिए हमें पैसा आ गया है सर। तो ये लोग सर आपसे बात करेंगे सर। जी बात कराइए। क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम देवमयी साहू है सर। जी नमस्कार सर मेरा नाम देवमयी साहू है सर। जी सुनाई दे रहा है बोलिए आगे। हाँ सर मेरी योग्यता मैं डीएलएड कंप्लीट कर चुकी हूँ बीए फाइनल ईयर के एग्जाम दिला चुकी हूँ और अभी डोमेस्टिक डाटा एंट्री का। तो एक कार्यक्रम से सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। तमाम वहां पे जो युवा थे और जिन लोगों को उनकी तरफ से रोजगार दिया गया भत्ता दिया गया उनसे बातचीत कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि आपको कोई परेशानी है कि नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर के परलकोट जलाशय से फोन निकालने के लिए हजारों लीटर पानी बहाने के मामले में प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है और 53,092 रुपए की रिकवरी फूड इंस्पेक्टर से करने की बात कही है। प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार 10 दिन के अंदर यह राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। जल संसाधन उप संभाग कापसी की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। एसडीओ को हमने नोटिस दिया है और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहां से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। और कोरबा में एक नव विवाहित शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल से सोने चांदी के जेवरात समेत 50,000 की नकदी चुराकर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन 3 महीने बाद भी पुलिस के हाथों कोई सफलता नहीं लगी। वही घटना के बाद से लड़के परिवार की तरफ से लड़की के पिता को फोन कर धमकियां दी जा रही है। बालोद ब्लॉक के ग्राम सांकरा में एक स्कूल में एक शख्स ने जामुन के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह स्कूल की बाउंड्री के पास खेल रहे बच्चों ने मृतक के शव को देखा तो स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की जांच में जुट चुकी है। और बिलासपुर में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बिलासपुर जिले के बिलहा विधानसभा के तिफरा सिरगिट्टी मंडल में बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पोस्टर चस्पा कर विरोध जताया जा रहा है। बलौदा बाजार जिले के पलारी थाने के ग्राम कौसम मांदी में बीती रात को 2 बच्चियों का शव तालाब में तैरता हुआ दिखा। जानकारी के मुताबिक बच्चियां घर से नहाने के लिए गई थी लेकिन दोनों मासूम बच्चियों की डूबने की मौत हो गई, डूबने से जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने इसकी सूचना पलारी थाने में दी है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आगे की जांच में जुट चुकी है। कांकेर के दुर्गुकोंदल थाना क्षेत्र के कोकड़े गांव के पास से एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक ग्रामीण के घर में घुस गया। हालांकि गनीमत रही कि घर के अंदर सो रहे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए।
तो अनियंत्रित होकर घर में घुसा है ये ट्रक, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। यहाँ पे भारी संख्या में अभी ग्रामीण मौजूद है। गनीमत रही कि कोई भी इसके चपेट में नहीं आया है। सो रहे थे सभी घर के सदस्य और ऐसे में बाल बाल उनकी जान बच चुकी है। बता दें रात के समय यह हादसा हुआ है, जब अनियंत्रित होकर घर के अंदर ये ट्रक घुस गया है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बता दें इससे घर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है और हादसे के वक्त किसकी गलती थी ये भी अब पुलिस इस जांच में जुट चुकी है। फिलहाल यही जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अनियंत्रित होकर ये ट्रक जो है वो घर में जा घुसा। तो बता दें कि इस समय भारी संख्या में पे यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है और घर के मेंबर सो रहे थे। और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि केंद्र की सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे, देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए। साव ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग लोगों के साथ विधानसभा और जिला स्तर पर चर्चा होगी। भाजपा ने इसके लिए 3 कलेक्ट्रेट भी बनाए हैं। बेमेतरा जिले के समाज कल्याण विभाग के उप संचालक के ऊपर दिव्यांगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्यांगों का आरोप है कि उन्हें उनके साथ बदसुलूकी कर उन्हें भगा दिया जाता है। दिव्यांग कल्याण संघ के पदाधिकारियों की तरफ से दिव्यांगों के लिए विभाग में आने वाले उपकरण और बैटरी वाले ट्राई साइकिल पेशेंट को लेकर पूछने पर अधिकारी बदसुलूकी करते हैं, जिससे गुस्साए दिव्यांगों ने मामले में कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है और समस्या का समाधान ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो दिव्यांगों के साथ बदसुलूकी होती है, ये आरोप लगा है, समाज कल्याण विभाग पर आरोप लगा है। और उनकी तरफ से ये सवाल जब पूछे गए कि आखिरकार इन सब की संचालक क्यों बंद है, तो ऐसे में उनके साथ बदसुलूकी की गई, जिससे इतरहत दिव्यांगों ने उनको बोला है और कलेक्ट्रेट पे उन्होंने लिखित ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर इस पे फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन दिव्यांगों की तरफ से किया जाएगा। तो बता दें कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दिव्यांगों ने समाज कल्याण विभाग पर यह आरोप लगा है कि उनके साथ बदसलूकी की जाती है, एक बार नहीं कई बारों से ऐसा हो रहा है और ऐसे में वो गुस्साए हुए हैं। उनकी तरफ से अब कलेक्ट्रेट में लिखित ज्ञापन सौंपा गया है, तमाम जानकारी कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा दी गई है। अब इसके बाद से दिव्यांगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसके बाद से फिर भी एक्शन नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा, इसकी चेतावनी दिव्यांगों ने दी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।